दोस्तों मैं नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ स्नो वर्ल्ड में, जो कि ये बेसिकली हैदराबाद में पड़ता है और हैदराबाद का कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट स्नो, अगर आपको देखना है तो वो सबसे अच्छा प्लेस जो है यहाँ पे हैदराबाद में माना जाता है। जो कि आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये स्नो वर्ल्ड है, जहाँ पे आप कैसे आएंगे, क्या क्या चीज़ें और अंदर कितना, आपको कहते हैं ना कि शिमला मनाली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अब अलग अलग सिटीज़ में जो है स्नो वर्ल्ड खोल चुका है, वैसे ही यहाँ पे हैदराबाद में है। बहुत ही लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और टूरिस्ट प्लेसों में से एक माना जाता है। फिलहाल अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं 650 रुपये यहाँ का टिकट प्राइस है। टिकट कैसे लेंगे, मोबाइल कैसे जमा करेंगे और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है, हालांकि अगर आप गाड़ी वगैरह आते हैं, फोर व्हीलर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप पार्क करके रख सकते हो। देन पश्चात जो है ये सामने के लोकेशन में एंट्री पॉइंट है, जहाँ से आप इन करेंगे और इन करने के पश्चात फिर आप अंदर चलेंगे। तो अंदर चलते और आपको दिखाते हैं स्नो वर्ल्ड का स्नो। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको ना टिकट मिल जाएगा। ये टिकट काउंटर है, बेसिकली ये बनाया गया जहाँ पे आपको टिकट मिलेगा। यहाँ पे एक दो लड़कियाँ भी रहती हैं, जो कि आपको इंस्ट्रक्शन करेगी यहाँ की क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से एक्टिविटी जो है उसको आप समझ सकते हैं। और इसी के सामने अगर आपको फ़ोन अंदर ले जाना है तो उसके लिए 50 रुपये आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर आप जमा करके जा सकते हैं। तो 50 रुपये पर फ़ोन लिया जाता है, अगर वीडियोज़ वगैरह बनाना है तो 50 रुपये आपको देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, पर मोबाइल आर टू कैरी इन साइड द स्नो एरिया 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फ्री में आप यहाँ पे मोबाइल जमा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये एंट्री पॉइंट है, जहाँ से आप इन करेंगे, यानी कि स्नो वर्ल्ड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका चेक इन होगा। सबसे पहले टिकट चेक होगा, उसके बाद ही फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो अंदर आने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा स्नो वर्ल्ड के अंदर। जब आप आएंगे टिकट एंट्री लेने के पश्चात, तब देखिए यहाँ पे आपको ना ड्रेस दिया जाएगा, पहन के आपको अंदर जाना है और ड्रेस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग देखिए अलग अलग तरीके से पहन रहे हैं और कुछ इस तरीके से आपको सामने के लोकेशन में मिलेगा। अंदर आने के बाद जब आप एंट्री ले लेंगे टिकट दिखा के, उसके बाद देखिए अंदर एंट्रेंस में आपको बेसिकली एक कवर दिया जाता है, जिसमें से आप शूज वगैरह खोल के डाल सकते हैं, क्योंकि शूज पहन के अंदर जाना मना है। और ये यहाँ बैठने का पूरी तरीके से स्पेस बनाया गया और यहाँ पे आपको ड्रेस भी मिलता है, दो कलर में ड्रेस अवेलेबल है, एक रेड और दूसरा जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको ब्लू कलर का, जो कि ये जैकेट होता है, क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग 0 से 5 डिग्री का है, तो उसके बीच में अगर आप जैकेट पहन के जाते हैं तो कोई दिक्कत आपका नहीं होता। तो ये सामने के लोकेशन में आपको दिख रहा है, यहाँ से एंट्री लेते हैं, अभी फ़िलहाल हम ड्रेस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर जाके क्या क्या चीज़ें हैं। शूज भी आपको दिया जाएगा, शूज भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ में देखिए ड्रेस दिया जाएगा, जो कि ये जैकेट है और ये दो चीज़ें आपको मिलती है। और तत्पश्चात फिर आप अंदर की ओर एंट्री ले सकते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग आते हैं, वाह इतना एंजॉय कर रहे हैं। ये है आपका जहाँ पे आप बेसिकली जब आप अपना शूज यहाँ पे जमा कर देंगे काउंटर में, तत्पश्चात यहाँ पे जैकेट कलेक्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो कि अलग अलग काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आपको जैकेट और सॉक्स और इसके साथ साथ में शूज मिलता है, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं अलग अलग काउंटर में। फिलहाल देखिए यहाँ से एंट्रेंस जो है ना उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं, जब आप स्नो वर्ल्ड में आएंगे और इसके बाद फिर अंदर जो है वो पूरी तरीके से बर्फ ही बर्फ है। ये पूरा बर्फ़ की बात करें तो 200 टन लगभग यहाँ पे बर्फ़ अवेलेबल है, जो कि एक घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है और जितने भी लोग आपको ये दिख रहे हैं ये सब ये भी अंदर जा रहे हैं। तो अंदर चलते और आपको दिखाते हैं अंदर का क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आप बर्फ़ में खेल सकते हो और क्या चीज़ें। ये देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बर्फ़ों में अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और ये बेसिकली स्नो वर्ल्ड है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा जहाँ पे बर्फ ही बर्फ आपको मिलेंगे और ये बीच बीच में कुछ इस तरीके से बनाया गया है जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये शूज आपको दिया जाता है और इसके साथ साथ में ये ड्रेस दिया जाता है और फिर जैकेट भी दिया जाता है। तो ये देखो आप, ये पूरा ना बर्फों से भरा पड़ा है, नीचे देखिए कितना ज़्यादा बर्फ है। स्नो वर्ल्ड, जो कि आपको शिमला मनाली जाने का ज़रूरत नहीं है, आपको हैदराबाद में भी ये फैसिलिटी मिलेगा जहाँ पे आप पूरी तरीके से बर्फों का आनंद ले सकते हैं। ये बर्फ ही बर्फ पूरा पड़ा हुआ है और ये पूरा एरिया की बात करें तो बहुत ही बड़े हैं और 100 बताया जा रहा है कि 200 टन से भी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ रखे हुए हैं। तो इन बर्फों में आप खेल सकते हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, किसके साथ भी आ रहे हैं, इस तरीके से आप बॉल से खेल सकते हैं, ऐसे
भी आपको मन हो उस तरीके से आप यहाँ पे बर्फों का मजा लेने के लिए ना आपको आना पड़ेगा, लेकिन बहुत चिल्ड है। और यहाँ पे जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें ना तो 0 से 5 डिग्री पे है जो टेम्परेचर इसका रखा गया है, चूँकि ये बेसिकली बनाया गया, देख सकते हैं पूरा जो इंटीरियर है वो पूरा पैक किया गया है ताकि जो इसके जो बाहर ना जाए किसी भी तरीके से, जो ठंड है वो अंदर में बरकरार रहे। यहाँ पे आपको एक ग्लव्स मिलता है और ग्लव्स के साथ साथ में एक जैकेट मिलता है और जैकेट के साथ साथ में शूज मिलता है, शूज के साथ साथ में सॉक्स मिलता है, क्योंकि आप बर्फों में जब आप चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको लेना पड़ता है। अगर आप शिमला मनाली जाते हैं वहाँ पे भी आपको रेंट में उठाना पड़ता है, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ये 650 रुपये में इंक्लूडेड रहता है, 650 रुपीज़ आप देंगे उसी में आपको ये इंक्लूडेड मिलेगा। तो ये जितने भी लोग हैं ये 1 घंटे का सेशन होता है, 1 घंटे आप पूरी तरीके से मस्ती कर सकते हैं और फिर 1 घंटे बाद फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। और बीच में देखिए यहाँ पे लाइटिंग की भी सुविधा दी गई है और बॉक्स वगैरह भी लगाया गया ताकि साउंड वगैरह बच्चा भी है। फिलहाल हम दिखाते हैं आपको बर्फ, बच्चों को देखिए कितना खेल है, ये बर्फ देखो बर्फ ही बर्फ है, बहुत ठंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि जब मनाली शिमला आप जाएंगे तो ये बर्फों का बड़ा बड़ा सा मिलता है इकट्ठा, बट यहाँ पे चूरा हुआ है पूरी तरीके से ना, पतला करके रखा गया बर्फ को। हालांकि एक बर्फ वहाँ पे है वो बहुत ही मोटा है लग रहा है, वहाँ पे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये मस्ती देखिए, यही है स्नो वर्ल्ड का मज़ा आप ले सकते हैं जब आप हैदराबाद आएंगे तब। ऐसे अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग तरीके का बनाया गया, बट ये हम हैदराबाद का आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा स्नो ही है। ये देखो आप बर्फों का चट्टान टाइप से बहुत ही बड़ा है और इसको इस तरीके से बनाया गया ताकि ख़त्म भी ना हो। वहाँ पे देखिए आप जा भी सकते हैं, आई थिंक ऊपर क्या बर्फ ही आता है ऊपर से। इधर भी कुछ कुछ घूमने का है, टी कॉफ़ी यानी कि अंदर में आपको रेस्टोरेंट भी मिलता है एक छोटा सा, जहाँ पे आपको टी कॉफ़ी आइसक्रीम वगैरह कुछ खाना है तो उसको भी आप खा सकते हैं। लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो अभी हम और भी टूर आपको दिखाते हैं, इसके अंदर और भी सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम भी इंजॉय करते हैं चूँकि टाइमिंग कम है और जो है इंजॉय भी करना है। चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं। अंकल दादी देखिए इधर बैठे हुए, ये देखिए ऊपर जाके ना आप स्लाइड भी कर सकते हैं। ये यहाँ से आपको लाइन लगना पड़ेगा और फिर ऊपर जब आप जाएंगे तो उस वाले पे आप स्लाइड करेंगे, कुछ इस तरीके से है। ये पूरा बर्फ है और बर्फों के बीच में आपको स्लाइड करने के लिए मौका भी मिलता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जिसे मैं इंक्लूड रहता है 650 रुपीज़ में आपको ये सब कुछ सुविधा मिलता है। अगर आप 200 और देते तो इसमें आपको कुछ और भी जो है एक्टिविटी वो शामिल होता है, वॉलीबॉल वगैरह के लिए या कुछ और चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं ऊपर भी देखो आप। लेकिन ये है कि चिल्ड बहुत ज़्यादा है, हाथ ना पूरी तरीके से जम जा रहा है। और ये आप लोगों की जनसंख्या देखो कितना ज़्यादा है, काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या भी है। फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके स्लाइड करते हैं और आपको दिखाएंगे कैमरा ऑन कैमरा स्लाइड में कैसा मज़ा आता है, चूँकि ये पूरा बर्फ से बनाया गया। जो स्लाइड आप करेंगे ना वो बर्फों के बीच में करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है कि बर्फों के बीच में आपको स्लाइड करने के लिए मौका मिलता है। लेकिन हाथ यार कसम से पूरा ना चिल्ड हो जा रहा, बिल्कुल चिल्ड। इतना सारा बर्फ है, हम लोग आ चुके हैं शिमला में और ये शिमला का है, देख सकते हैं आप लोग बहुत ठंडा है। तो आप स्नो का भी मजा ले सकते हैं, बिल्कुल जैसे आपको मनाली शिमला में मिलता है ना वैसे स्नो यहाँ पे आर्टिफिशियल है। तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल फोटोज वगैरह ले सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ये सारे लोग देखिए यहाँ पे आपको स्नो का सहारा दिया हुआ है, इससे स्नो बाहर निकलता है और फिर पूरी तरीके से बारिश वाला मौसम आपको जो है ना वो फील होगा कि ऊपर से स्नो गिर रहा है, ऐसा फील होगा। ये तो आप कितने सारे लोग डांस कर रहे हैं, पूरा दिन जाओगे भाई आप बर्फों के बीच में।
ये देख सकते हो आप, जैसे ही आएंगे ना, यानी कि यहाँ पे स्नो वर्ल्ड में आएंगे, तो यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट के लिए अगर आप टिकट कटवा दें तो ये है वेटू रेन फॉरेस्ट, जो कि जस्ट एग्जिट पॉइंट पे है। स्नो वर्ल्ड में जब आप बाहर निकलिएगा फिर यहाँ से अंदर जाइएगा, और अंदर जाने के बाद इस वाले बिल्डिंग में जाके फिर आप रेन फॉरेस्ट देख सकते हो, और ये सामने के लोकेशन में ये भी है आपको। इसके साथ साथ में यहाँ पे दुकानें वगैरह मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसका 200 रुपये आपको अलग से चार्जेबल देना पड़ेगा। इधर भी आपको दुकानें मिल जाएंगी, ये सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिल जाती है। बैठने के लिए कैंटीन की सुविधा है, जहाँ पर आप खाना पीना खा के बैठ भी सकते हो। तो ये पूरा टूर था हमारा जो कि यहाँ पर समाप्त होता है, और बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और अगर आप भी आ रहे हैं तो आप बेसिकली इसी तरीके से आ सकते हैं। था दोस्तों स्नो वर्ल्ड का पूरा टूर, जो कि मैंने आपको दिखाया कैसे आप इन करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से। इसका पूरे टिकट प्राइस की बात करें तो 650 रुपये है, और अगर आप रेन फॉरेस्ट में जाते हैं तो उसका 200 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी कि 850 रुपये में आप पूरी तरीके से यहाँ पे मस्ती कर सकते हैं। 1 घंटे का आपको स्नो वर्ल्ड में दिया जाता है, और इसके साथ साथ में रेन फॉरेस्ट में भी आधा 1 घंटा आपको मिलता है टाइमिंग। तो ये पूरा टूर है जो कि हैदराबाद में पड़ेगा, और जब कभी भी आप स्नो वर्ल्ड डालिएगा हैदराबाद के लोकेशन में तो यहाँ पे आ जाएगा। और हैदराबाद अगर आप विजिट कर रहे हैं तो इस जगह पे आप जरूर घूमें, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से आर्टिफिशियल स्नो को बनाया गया है, और उसी में अगर आप खेल सकते हैं और पूरा एंजॉय कर सकते हैं, जो कि हमने वीडियोज में आपको दिखाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हैदराबाद के और भी नए सीरीज में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। थैंक यू सो मच।